टॉक। प्रोग्राम के नाम से ही जाहिर है कि ये एक संजीदा प्रोग्राम है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी चैनल्स हैं उन पर अगर कोई टॉक शो संजीदा होता है तो उस शो में सिर्फ लूज टॉक होती है, चाहे वो शो सियासी हो, चाहे अदबी हो, चाहे उस शो का ताल्लुक शो बिजनेस से। इस वजह से आरवाई वालों ने सोचा कि क्यों ना एक संजीदा प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसका नाम रखा जाए लूज टॉक। मुख्तलिफ लोग आएंगे इस प्रोग्राम में और जो हालात हैं हमारे मुल्क के इनके बारे में मैं आपको बता दूं। पिछले दिनों गालिब का एक ख़त मेरे नाम आया, मैं अक्सर ख़त लिखता रहता हूँ इकबाल को, गालिब को, सौदा को, मीर को। तो गालिब ने लिखा कि अनवर मियाँ तुम्हारा ख़त मिला, यहाँ के हालात भी अब तुम्हारे मुल्क जैसे हैं, परसों शाम जहन्नुम में धमाका हुआ जिससे 22 जहन्नुमी दोबारा जल के मर गए। सबका ख्याल है कि ये धमाका अलकायदा ने कराया है, मगर जोश मलियाबादी नहीं मानते। वो कहते हैं जहन्नुम में इतने मुसलमान हैं फिर वहाँ कोई मुसलमान धमाका क्यों करवाएगा। मुख्तार बेगम तुमसे बहुत नाराज़ हैं, तुमने कोई उनका कैसेट रिकॉर्ड नहीं करवाया। जुमे के दिन शाम में 7:30 बजे मैदान हशर में मेरी गज़लें गा रही हैं जो आगा हशर के घर के पीछे हैं। मैडम नूरजहाँ के बारे में तुमने मुझे लिखा था कि उनसे ज़रूर मिलना, मैं उनसे मिला, बहुत अच्छी खातून है। आजकल मैं पंजाबी उन्हीं से सीख रहा हूँ, मगर उनके दाद देने का अजीब व गरीब स्टाइल है। मेरे शेर सुनती हैं और वाह वाह करने के बजाय झप्पी पा लेती हैं। झप्पी का लफ्ज़ भी मैंने उन्हीं से सीखा है। परसों शाम नुसरत फ़तेह अली मेरे पास आए थे, वो अगले महीने की 1 तारीख को एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उसकी मेज़बानी तुम करो, मगर हम नहीं चाहते। जब तक रहो पाकिस्तान में खुश रहो और कोशिश करो कि पाकिस्तान के हालात सही रहें। आइंदा से अपने ख़त में निजात का तालिब मत लिखना क्योंकि मैं लिखता था। जब गालिब को हमारे यहाँ के हालात इतने ज़्यादा मालूम हैं तो हैरत की बात है कि आप लोगों को नहीं मालूम, और लूज टॉक में आप इन्हीं हालात को देखेंगे। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो एक बिजनेसमैन, बड़ा पैसा कमाया उन्होंने इस मुल्क से, मगर ईमानदारी से नहीं। नैब में उनके खिलाफ कई केसेस हैं, होना परेशान चाहिए मगर लगते नहीं परेशान। जब मैंने उनसे इंटरव्यू के लिए कहा तो कहने लगे जी मैं डरता नहीं हूँ, आप मुझे बुलाएं। तो मैंने उनको बुलाया है, तो पहले प्रोग्राम में आप उनसे मुलाकात करेंगे। शौकत थानवी का नाम सुना है आप लोगों ने, उनके दो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। इससे पहले कि वो आ जाएं मेहमान हमारे और उनसे बातचीत शुरू हो, कमज़ोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, कमज़ोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, अंग्रेज़ हो सरकार तो औलाद है मोमिन, कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, इस तरह की हर कैद से आज़ाद है मोमिन। वक्त हुआ है उन्हीं साहब से मुलाकात का, तो आइए मिलते हैं। बहुत बेईमान आदमी है, उसके बावजूद चेहरे पर एक मुस्कुराहट और एक खुशी का इजहार नुमाया होता रहता है, तो मुलाकात करते हैं।